दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि ये फेसबुक आईडी फेक है या रियल है? दोस्तों, आप तो जानते हैं कि जो ज़्यादातर लड़कियों की आईडीज बनी होती है वो ज़्यादातर फेक होती हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये जो लड़की की आईडी है वो फेक है या रियल है, तो आज इस वीडियो को आखिर तक देखते रहे, मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह किसी की भी आईडी का पता किस तरह से लगाया जा सकता है कि वो आईडी फेक है या रियल है। तो ये वीडियो आखिर तक देखते रहे, हम इसी के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है जुनेद मजदूर और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मज़ीद वीडियो फेसबुक के टॉपिक के रिलेटेड मिल सकें। तो दोस्तों, वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपने वो आईडी को ओपन कर लेना है। अब इस आईडी को मैंने ओपन कर लिया, जिसका नाम है हिना खान। तो ये मैंने दो तीन आईडीज निकाली हैं कि कोई भी सर्च करके, जैसे कि इनका मैं पता लगाऊंगा कि किस तरह से ये आईडी रियल है या फेक है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपने ये करना है कि जो प्रोफाइल पिक लगाई होगी किसी आईडी पे, तो आपने सिंपल उस आईडी के जो प्रोफाइल पिक्चर है उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ये एक प्रोफाइल पिक्चर है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो अब आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोफाइल पिक्चर ओपन हो गई है। उसके बाद मैं फ़ोटो के ऊपर जो माउस की राइट क्लिक है उसको क्लिक कर देता हूँ। और इसके बाद आप नीचे एक ऑप्शन देख सकते हैं, सर्च गूगल फॉर इमेज, इस पर आपने दोस्तों सिंपल क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, दरअसल ये होगा कि ये जो फ़ोटो है वो गूगल पर अपलोड होगी। अब गूगल अपने सर्च इंजन में से फ़िल्टर करेगा कि ये फ़ोटो हमारे सर्च इंजन में पहले है कि नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस बंदे ने ये आईडी बनाई है उसने टाइप किया था ऊपर ब्यूटीफुल गर्ल्स इन पंजाबी सूट। तो आप देख सकते हैं कि पीछे पंजाबी सीन है और ये पंजाबी एक सूट इस लड़की ने पहना हुआ है। तो आप इस तरह से जान सकते हैं कि ये एक फेक आईडी है। और आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप सिमिलर इमेजेस भी यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक फ़ोटो पहले ही अपलोड हुई हुई है जो कि इस वेबसाइट ने अपलोड की है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि ये एक फेक आईडी है। तो ये जो डीपी लगी हुई है वो पहले से किसी ने अपलोड की थी गूगल पर, और गूगल से ही डाउनलोड करके ही फेसबुक पे लगा दी। अब इसी तरह मैं आपको एक दूसरी आईडी ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये एक आईडी है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। उसी तरह आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर गूगल सर्च कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिसने ये फ़ोटो गूगल से डाउनलोड किया है तो उसने लिखा था डार्क कैरी हेयर कलर। तो यहाँ पर चेरी कलर का जो यहाँ पर उसने टाइप किया है, तो यहाँ पर भी आप सिमिलर इमेजेस में पहले देख सकते हैं कि ये फ़ोटो पहले ही अपलोड हुई हुई है गूगल पर। तो गूगल से किसी ने डाउनलोड करके ही उसको डीपी में लगा दिया। तो इससे हमें ज़ाहिर पता चलता है कि ये आईडी भी फेक है। तो ये दोनों आईडी तो फेक होगी। उसके बाद जैसे कि ये एक आईडी है, ये किसी की फ़ोटो लगी हुई है, तो अब हम इसका पता करते हैं। अब इस फ़ोटो से तो हमें लगता है कि ये आईडी रियल है, पर ये आईडी रियल नहीं है। तो इसके आईडी पर मैं सिंपल एक क्लिक करता हूँ, यहाँ पर गूगल सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो जिस बंदे ने ये फ़ोटो अपलोड किया तो उसने टाइप किया था कूल डीपी फॉर गर्ल्स। तो इसी तरह से जो भी बंदा आईडी वो सर्च करता है, किसी आईडी के लिए फ़ोटो सर्च करता है, तो इसी तरह का ही गूगल पर कुछ लिखता है। और यहाँ पर आप सिमिलर इमेजेस में देख सकते हैं कि ये फ़ोटो भी पहले से अपलोड हुई हुई है। तो इसी तरह से आप एक ये बड़ा आसान सा तरीका है कि किसी की भी आईडी की सिर्फ उसकी डीपी पे जाना है और राइट क्लिक करके गूगल सर्च कर देना है। तो आपको बड़ी आसानी के साथ पता चल जाए कि ये आईडी रियल है कि फेक है। तो जैसे कि ये एक मेरी आईडी है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो इसी तरह मैं आपको दिखाता हूँ ये आईडी रियल है फेक आईडी नहीं है।
तो सिंपल मैं इस फोटो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से गूगल सर्च कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी दूसरी फोटो मेरे जैसी सेम शो नहीं हुई, जिसका मतलब है कि ये आईडी बिल्कुल ही रियल है। जिसका रिज़ल्ट यहाँ पर शो ना हो, सिमिलर फ़ोटो शो ना हो, आप समझ जाएं कि ये आईडी रियल है और यहाँ पर मेरा नाम भी नहीं लिखा हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको एक छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद वीडियोस इस तरह की देखना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल विज़िट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपको जो हमारी नई वीडियोज़ हैं वो जल्द से जल्द मिल सकेंगी। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।